फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन टू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना गूगल असिस्टेंट को इनेबल कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फोन में गूगल का ऐप होता है, इस गूगल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है। अब इस पेज में आपको नीचे की साइड ये सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। अब आपका इस पेज में नीचे की साइड ये गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपका इस वाले पेज में नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है हे गूगल एंड वॉइस मैच का, इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको ये हे गूगल के सामने ये जो बटन है ना, इस बटन को टैप करके ऑन करना है। तो ये बटन को टैप करेंगे तो आपका एक पेज आएगा ये वाला, इस पेज को ऊपर करना है। तो आपको नीचे एग्री का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस पेज को भी ऊपर करना है तो आपको नीचे एग्री का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपका एक पेज आएगा ये वाला, इसमें आपको नेक्स्ट का ये बटन आपको टैप करना है, नेक्स्ट, ठीक है। अब आपका एक और पेज आएगा यहाँ पे, देखिए इस वाले पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये नॉट नाउ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको वापस से यही पेज आ जाता है। आप देख सकते हैं हे गूगल के सामने जो बटन है ये ऑन हो चुका है। तो इतना प्रोसेस आप करेंगे तब जाके ये बटन जो ऑन होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है।